नमस्ते आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है मेरा नाम हर्षिका है हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि आपकी शादी कब होगी किससे होगी और आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी तो हमारे पास तीन ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर वन पे हमारे पास डॉग है डॉग इज़ अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी ऑप्शन नंबर टू पे हमारे पास रोजेस हैं रोजेस इज़ अ सिंबल ऑफ लव तीसरे में तीसरे वाले ऑप्शन में हमारे पास बर्ड है सो इट्स अ बर्ड ऑफ स्पिरिट मैसेंजर सो so, आपको इन तीनों में से जो भी सिंबल पसंद आ रहा है आप एक को चुन सकते हैं और अपनी फ्यूचर मैरिज के बारे में सोच सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो तो चलिए शुरू करते जिन्होंने ऑप्शन नंबर वन को चुना है यानी कि डॉग को चुना है आपकी मैरिज कब होगी किससे होगी और वो मैरिड लाइफ कैसी जाएगी सो so, यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन नंबर वन को चुना है आपकी जो मैरिड है वो बेसिकली एक ऐसे पर्सन के साथ होगी जो बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल पर्सन है अगर मेल से, से देख रहे हैं तो उसे रिवर्स कर लीजिएगा तो आपकी शादी बेसिकली एक ऑफिशियल पर्सन के साथ होगी जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में बिलोंग करते होंगे या फिर किसी ऑफिस में होंगे बैंक में होंगे एक अथॉरिटी पोजिशन में होंगी पावर होगी उनके पास फाइनेंशली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे ये पर्सन और ये जो पर्सन है इन्होंने पहले अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लेसनस ले रखे होंगे द डिस्टोट मस्कुल सो ये कैसे पर्सन होंगे जो एक टाइम पर डिस्टोटेड मस्कुल रहे होंगे यानी कि एक टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी होंगी बहुत, देख बहुत सारे इमोशनल और मेंटल ड्रामा देख रखा होगा ईशू देख रखा होगा बहुत सारे लेसन्स इस पर्सन को मिल चुके होंगे कार्मिक लेसन तो अपने लेसनस के साथ सीख कर, अब ये पर्सन बदल गए हैं और चेंज और चेंज वाली एनर्जी के अंदर हैं तो एक ऐसे पर्सन से आपकी शादी होगी जो जिसका अपना पास्ट का एक कार्मिक बैगेजेस होगा अपने लेसन्स होंगे और इस टाइम पर ये ये पर्सन बहुत ही मैच्योर लेवल पे होंगे सो so, आपकी जो शादी है वो बेसिकली जो मुझे टाइमिंग नज़र आते हैं वो नेक्स्ट ईयर मार्च या अप्रैल के बीच में होने के चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर मार्च या अप्रैल में कुछ लोगों की शादी हो सकती है और यहाँ पर एक डेफिनेटली शादी आपकी होगी और ये जो शादी है वो ट्रैवलिंग से भी इन्वॉल्व है यानी कि ये पर्सन कहीं दूर ट्रैवल करके आपसे मिलने आएंगे या फिर आप इनसे ट्रैवल करके मिलने के लिए जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा एक खुशनुमा आपकी वेडिंग होगी और कुछ लोगों के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग वेडिंग हो सकती है कि आपकी शादी किसी दूसरे स्टेट में या कहीं और आपने कोई हॉल बुक करा रखा हो वहाँ पर आपकी मैरिज होगी सो so मैरिज में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस से भरी हुई होगी और ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज की एनर्जी लेकर आ दे टेन डेज सो कुछ लोगों के लिए विद इन द टेन डेज में कोई शादी से जुड़ा प्रपोजल आ सकता है आपके मैरिट किसी मैट्रीमोनियल साइट के थ्रू या फिर आपके घर में किसी का शादी का रिश्ता आ सकता है या फिर आपको कोई विद इन अ टेन डेज में शादी के लिए प्रपोज़ कर सकता है कुछ लोगों के लिए ये टेन डेज़ की एनर्जी है और कुछ लोगों के लिए ये विद इन सिक्स मंथ टू वन ईयर की एनर्जी है कि आने वाले छः महीने या एक साल के अंदर अंदर स्पेशली नेक्स्ट ईयर मार्च से अप्रैल के बीच में आपकी मैरिज हो जाएगी और डेफिनेटली जिसने ये पाए चुना है आपकी मैरिज ज़रूर होगी ये है क्योंकि यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है तो आपके भाग्य में शादी होना लिखा है भले ही आपको ऐसा लगे कि आपकी शादी नहीं होगी या बहुत ही ज़्यादा आप निराश हैं अपनी शादी को लेकर लेकिन आपके भाग्य में मैरिज होनी लिखी है यू डिज़र्व द लव सो डेफिनेटली इट्स अ मैरिज कार्ड कि आपकी मैरिज ज़रूर होगी या तो विदिन अ टेन डेज में कोई पर्सन के थ्रू आपको शादी का प्रपोजल मिलेगा या फिर नेक्स्ट ईयर वन ईयर के अंदर अंदर आपकी मैरिज हो जाएगी और आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और प्रॉस्पोरस रहेगी यानी कि एक लॉन्ग टर्म मैरिज रहेगी आपकी सो so ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर वन को चुना अगर आपको मीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ई कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग अब देखते जिन्होंने ऑप्शन नंबर टू को चुना है आपकी शादी कब होगी सो जिन्होंने ऑप्शन नंबर टू को चुना है उनके लिए जो शादी है उनके लिए पहला जो कार्ड आया है वो है एस का कार्ड आया है एस ऑफ एरिनल को कार्ड आया है सो आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज है कुछ न्यू बिगनिंग है यहाँ पर सो so, आपकी जिस पर्सन से शादी होने वाली है वो जो पर्सन हैं वो किसी भी तरीके के बैड रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे होंगे या किसी बैड हेल्थ से रिकवर कर रहे होंगे या तो ये पर्सन किसी बैड रिलेशनशिप में हैं किसी बहुत ही बैड रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किसी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो कई सालों से इनकी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ है या फिर किसी टॉक्सिक मैरिज में है उससे बाहर निकल रहे होंगे या फिर आपके जो पर्सन हैं जो आपके पार्टनर हैं जिनसे आपकी मैरिज होने वाली है वो किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होंगे सो समथिंग इज़ बैड इज़ देयर तो यहाँ पे जो एनर्जी है द डिस्टोट फैमिली की एनर्जी है सो so, यहाँ पर आपने इस मैरिज को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया होगा आपने बहुत ही ज़्यादा हीलिंग वर्क किया है या स्पिरिचुअल वर्क किया है और आप खुद भी किसी आ, किसी वन से किसी जख्म को हील करके आगे की तरफ बढ़ रही हैं या फिर किसी कार्मिक बर्डन को बंद बर, कर आ, कार्मिक बर्डन को बर्न करके जला के आगे की तरफ आ रही हैं सो so, यहाँ पे आपकी जो शादी है वो आपकी लाइफ के ऐसे स्टेज पे होगी जब आपके पास सब कुछ होगा मतलब जिस टाइम पे आप करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पोरस होंगी आपके पास एक बहुत अच्छी जॉब होगी या आपका बिजनेस होगा तो करियर से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लाइफ के ऐसे स्टेज पे आपकी शादी होगी और यही जो पाइल चुनी है जिन लोगों ने उनकी बेसिकली लव मैरिज के बहुत चांसेस हैं आपकी जो शादी है वो बेसिकली किसी सोल कनेक्शन में होगी सोल मेट के साथ आपकी शादी होगी या फिर आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी शादी होगी तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोल कनेक्शन की है कि आपका पार्टनर कार्मिक नहीं होगा वो सोल कनेक्शन के अंदर आपके पास होगा और आपसे ट्रूली प्यार करता होगा द रिट्रीट का कार्ड है तो यहाँ पर आपकी जो शादी है वो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर होगी कि आपको या तो किसी टेंपल में शादी करनी होगी और या फिर किसी कोर्ट में शादी करनी होगी और शादी के बाद आप लोग सेपरेट रहेंगे सो so, आपकी शादी के अंदर मुझे किसी भी इन लॉस की इन्वॉलमेंट ज़्यादा नज़र नहीं आ रही और ना ही आपके पेरेंट्स सोसाइटी और कम्युनिटी की इन्वॉमेंट ज़्यादा नज़र आ रही है सो so, आपकी जो शादी है वो बेसिकली एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है या आप एक डिवाइन प्लान में पार्टिसिपेट ले रहे हैं आप एक ऐसे रिलेशनशिप में गई जहाँ पर जो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम थे उनके साथ एक सेपरेशन फेस में आप गए सेपरेशन फेस के अंदर आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क किया बहुत ज़्यादा साधना करी तपस्या करी और ये पर्सन फाइनली आपके पास वापस आए और आपकी शादी हुई और आप दोनों साथ में रह रहे हैं सो दिस इज़ समथिंग योर डिवाइन प्लान और ये तब है कि और ये स्टेज तब है जब आप एक बहुत मेचोर हो चुकी हैं इमोशनली मेंटली स्पिरिचुअली फाइनेंशली हर लेवल पे मैच्योर हैं तब आपके पास ये शादी का प्रस्ताव आएगा जिससे जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी सो so, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने ऑप्शन नंबर टू को चुना है अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे हम कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर थ्री को चुना है कि आपकी शादी कब होगी सो so, जिन्होंने ऑप्शन नंबर थ्री को चुना है उनके लिए पहला कार्ड ही है द मेट की आपकी शादी आपके सोल मेट के साथ होगी और ये जो पर्सन है वो किंग ऑफ रेफेल यानी कि वाम जनरॉस हॉनरेबल रिफाइंड एक ऐसे पर्सन होंगे जो स्टार्टिंग में आपसे दिल खोल के बात नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग में इन द बिगनिंग ऑफ द रिलेशनशिप ये पर्सन आपसे एक इमोशनल फीलिंग बता नहीं पाएंगे अपने ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे जब भी रिलेशनशिप स्टार्ट होगी इस, इस पर्सन को बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही होगी लेकिन बाद में जाके ये पर्सन चेंज हो जाएंगे और आपको अपने दिल की सारी बातें बताएंगे सो ये एक ऐसे पर्स पर्सन है जो बहुत ज़्यादा शाए हैं जो बहुत दूर से आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं मतलब ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे होंगे बहुत टाइम तक देख रहे होंगे आ, सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे ही आपके आपके ऑफिस में या आपके कॉलेज में आपके साथ होंगे और बहुत टाइम से आपको स्टॉक कर रहे होंगे और आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉमेशन निकालने की कोशिश कर रहे होंगे और बहुत लंबे टाइम तक चुप रहेंगे अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे लेकिन ये पर्सन सडन आपको शौक देंगे यू नो सडन इस पर्सन का लव लेटर आएगा या सडन इस पर्सन का मैसेज आएगा और आपकी रिलेशनशिप में सब कुछ बदल जाएगा कि ये पर्सन खुद आगे हो के एफर्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे ये सडनली आप, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देंगे और सडनली आपकी इनसे शादी हो जाएगी तो आपकी शादी बहुत ही सडन है जब आपको जिंदगी में ये लग रहा होगा कि कुछ हो नहीं सकता आपकी शादी हो नहीं सकती कुछ नहीं हो रहा है या आपकी एज हो गई है या समथिंग अब नहीं हो सकता तभी आपके भाग्य में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा और सडनली ये जो पर्सन जो छुप छुप के आपको स्पाई कर रहे हैं वो एकदम से आपके सामने आएंगे आपको सडन प्रपोज करेंगे और आपकी मैरिज सडन हो जाएगी सो so ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ऑप्शन नंबर थ्री को चुना है अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग